बचपन में हम सबके पास कई तरह के डॉल्स होते हैं, चाहे आप लड़के हो या लड़की। बचपन में एक अच्छा डॉल ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है। लेकिन अगर आपका यही दोस्त किसी दिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो? साल 1890 के समय में थॉमस और उनका सारा परिवार अपने बड़े से पुश्तैनी घर में रहने चले आए, जो कि फ्लोरिडा में बना था। उस घर में थॉमस के बेटे रॉबर्ट का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था, इसलिए थॉमस ने अपने बेटे रॉबर्ट के लिए एक दाई रख ली, जो कि किसी के घर पे ना होने पर रॉबर्ट का ध्यान रखे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, रॉबर्ट का व्यवहार अपने परिवार की तरफ बदलने लगा। रॉबर्ट बहुत चिड़चिड़ा सा रहने लगा और सबसे अजीब ढंग से बात करने लगा। रॉबर्ट के पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों रॉबर्ट का व्यवहार इतना बदलता जा रहा है। एक दिन काम पे निकलते वक्त रॉबर्ट के पिता थॉमस ने देखा कि जिस दाई को उन्होंने रॉबर्ट का ध्यान रखने के लिए रखा है, वो घर में काला जादू कर रही है। ये देख के थॉमस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने उस दाई को घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। लेकिन उस औरत ने जाते जाते थॉमस के बेटे रॉबर्ट को ये अजीब सी दिखने वाली गुड़िया दी, जो कि शायद उस औरत ने खुद बनाई थी। कुछ दिनों के बाद ये खबर आई कि वो औरत अब इस दुनिया में नहीं रही। थॉमस को लगा कि अब शायद उस औरत के जाने के बाद रॉबर्ट का व्यवहार फिर से पहले जैसा हो जाएगा, मगर धीरे धीरे रॉबर्ट का व्यवहार और ज्यादा बदलने लगा। वो घंटों खुद को कमरे में बंद कर उस डॉल से बातें करने लगा और हद तो तब हो गई जब एक दिन रॉबर्ट ने अपने माता पिता से कहा कि वो अपना नाम बदलकर जीन रखना चाहता है, क्योंकि उस डॉल ने उससे कहा है कि वो डॉल अपना नाम रॉबर्ट रखना चाहती है। रॉबर्ट के माता पिता को लगा कि ये रॉबर्ट का बचपना है, जब धीरे धीरे वो बड़ा होगा तो ऐसी हरकतें करना छोड़ देगा। लेकिन बड़े होने के बाद भी रॉबर्ट वैसा ही रहा, यहाँ तक कि शादीशुदा होने के बावजूद भी रॉबर्ट ने अपनी पत्नी और परिवार के साथ सोने के बजाय उस डॉल के साथ एक अलग कमरे में सोने लगा। और 30 साल का होने के बावजूद भी वो पूरे पूरे दिन उस डॉल से ही बातें करता था। एक दिन इन सबसे तंग आकर रॉबर्ट की माँ ने उस डॉल को फेंक देने की बात की, लेकिन रॉबर्ट ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि अगर वो डॉल नहीं रहेगी तो कोई नहीं बच पाएगा। इस घटना के होने के कुछ महीने बाद ही रॉबर्ट की माँ चल बसी और कुछ सालों बाद बड़े ही रहस्यमय तरीके से रॉबर्ट की भी बड़े कम उम्र में ही मौत हो गई। कुछ सालों के बाद मर्टल नाम की एक महिला ने रॉबर्ट के घर को खरीद लिया, जिधर उसे रॉबर्ट का वही डॉल मिला जो कि शायद 2 मौतों का जिम्मेदार था। मार्टल को वो डॉल शुरू से ही कुछ खटकता था, उसे वो डॉल बहुत डरावना लगता था। उसे लगता था कि वो डॉल पूरे घर में अपने आप घूमता है। इन सबसे तंग आकर मार्टल ने उस डॉल को एक म्यूजियम में डोनेट कर दिया, मगर पता नहीं कैसे उस डॉल के जाने के बाद मार्टल की भी कुछ ही महीनों में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई।
आज वो डॉल एक म्यूजियम में रखी है जिसे आज रॉबर्ट द डॉल के नाम से जाना जाता है। आज भी जो लोग रॉबर्ट द डॉल को देखने जाते हैं वो कहते हैं कि फोटोज लेते वक्त उनके कैमराज में दिक्कत आने लगती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि रॉबर्ट द डॉल की फोटोज लेने के बाद उनके घरों में अजीब अजीब सी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से हर महीने कई लोग रॉबर्ट द डॉल के लिए एक सॉरी लेटर भी भेजते हैं। साल 2012 में एक शख्स ने रॉबर्ट द डॉल को म्यूजियम में उसके सामने जाके कहा था कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम में दम है तो मुझे मार कर दिखाओ। इस किस्से के कुछ दिनों बाद ही खबर आई कि उस आदमी की भी अजीबोगरीब ढंग से मौत हो गई है। तो ये थी कहानी रॉबर्ट द डॉल की, जो कि न जाने कितने ही जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए बदनाम है।